राम राम जी आप सबको, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये डिजाइन बना के दिखा रही हूँ। आप इसको लेडीज कार्डिगन में डाल सकते हो, जैकेट में, जेंट स्वेटर में, कहीं भी डाल सकते हो। एक डिजाइन ये 6 फंदे का है, बॉर्डर बना के जो पहली सिलाई में शुरू किया था, अब पहली सिलाई से ही बना के दिखा रही हूँ आपको। उल्टी सिलाई में ये डिजाइन शुरू कर रखे हमने, बॉर्डर बना के ये हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से डिजाइन शुरू करेंगे। पहले हमें एक सिलाई ये उल्टी साइड से सीधी उतार लेंगे। पहली सिलाई है उल्टी साइड से, सिलाई हम सीधी उतार रहे हैं। ये उल्टी साइड है, ये हमारी सीधी साइड है। बिल्कुल आसान डिजाइन है ये, जो बहन पहली बार बनाएगी वो भी बना लेगी ये डिजाइन। अब आ गई दूसरी सिलाई, सीधी सिलाई। दूसरी सिलाई हमें कोने वाले फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, बनाना चाहो बना लो, उल्टा बनाओ सीधा बनाओ, मैं स्लिप कर रही हूँ ये फंदा। दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, अब 4 फंदे का डिजाइन बनाएंगे हम। दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे के यहाँ पीछे से ऐसे एक लंबा फंदा निकाल लेंगे, थोड़ा सा लंबा कर लेंगे ये, ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, ज़्यादा छोटा भी नहीं। फिर ये फंदा भी बना लेंगे, आगे वाला फंदा भी बना लेंगे, दोनों फंदे हम सीधे बना लेंगे। फिर आगे बच गए ये दो फंदे, ये दो फंदे भी सीधे बना देंगे। अब एक डिजाइन ये 6 फंदे का हो गया, दो फंदे उल्टे, दो फंदे के पीछे से ये फंदा निकाल लिया, फिर दो फंदे सीधे, फिर आगे दो फंदे थे जो वो भी सीधे बना लिए। अब ये 4 फंदे सीधे हो गए, 5 फंदे हो गए 4 फंदे के। फिर आगे एक डिजाइन ये 6 फंदे का हो गया, यही 6 फंदे बनाएंगे आगे। एक दो, दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, फिर 4 फंदे का डिजाइन बनाएंगे ऐसे। दो फंदे के पीछे से एक लंबा फंदा निकाल लेंगे, फिर दो फंदे ये सीधे बना देंगे, फिर आगे फिर दो फंदे और सीधे बना दिए, दो डिजाइन हो गए। अब आगे तीसरा डिजाइन शुरू कर रहे हैं, दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, अब 4 फंदे बनाएंगे ये सीधे, दो फंदे के पीछे से लंबा फंदा निकाल लेंगे ये, फिर दो फंदे ये सीधे हो गए, फिर आगे जो दो फंदे बच गए वो भी सीधे। आगे फिर चौथा डिजाइन हो गया, दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, दो फंदे के पीछे से लंबा फंदा निकाल लेंगे, और फिर दो फंदे ये सीधे बना के, आगे फिर दो फंदे और सीधे बना दिए, फिर दो फंदे उल्टे कोने वाले को सीधा बना देंगे। अब आगे तीसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब तीसरी सिलाई में जो दो फंदे उल्टे थे वो हमने सीधे बना दिए, फिर अपनी तरफ धागा करके, अब ये 4 फंदे का डिजाइन है, ये वाला फंदा, ये 4 फंदे के बाद 5वां फंदा जो ये दो फंदों के पीछे से निकाल लिया था, अब इन दो फंदों के पीछे से फंदा निकाल लेंगे उल्टी सिलाई में। तीसरी सिलाई में जहाँ से ये फंदा निकाल लिया था वहीं से निकाल लेंगे। तो देखो हमने ये यहाँ से निकाल लिया था, यहाँ से यहीं से ऐसे कर लेंगे सिलाई। अब ये लंबा फंदा निकाल लेंगे यूं करके, फिर ये दो फंदे उल्टे बना लिए, आगे फिर ये दो फंदे और बच गए, ये भी दोनों उल्टे बना लिए, और जो फंदा हमने पीछे से निकाला था वो फंदा हमने स्लिप कर लिया। दो फंदे सीधे, एक फंदा निकाल लिया दो फंदे के पीछे से, फिर दो फंदे उल्टे, फिर आगे फिर दो फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे हो गए बीच में, एक फंदा इस तरफ पीछे से निकाल लिया है, ये वाला फंदा हमने दूसरी सिलाई में निकाल लिया था, ये फंदा अब तीसरी सिलाई में निकाल दिया। अब ये 6 फंदे हो गए, दो फंदे बढ़ गए, ये फंदे हम आगे कटाएंगे। अब यही 6 फंदे हम आगे बनाएंगे, दो फंदे सीधे अपनी तरफ
पीछे धागा अपनी तरफ करेंगे धागा सॉरी। अब ये चार फंदे जो इनके जहाँ से ये पहले निकाला था वहीं से ऐसे सिलाई डाल के यूँ एक लंबा फंदा ऐसे निकाल लेंगे, यूँ जहाँ से वो पहला निकाल रखा उसी जगह से निकाल लिया। अब चार फंदे ये उल्टे आगे, जो ये फंदा निकाला था ये स्लिप कर लिया। अब पीछे धागा करके दो फंदे सीधे, फिर अपनी तरफ धागा करके ऐसे दो फंदे के पीछे से ये फंदा निकाल के यूँ, फिर चार फंदे उल्टे, फिर ये फंदा स्लिप कर लिया। पीछे धागा करके दो फंदे सीधे, अपनी तरफ धागा करके दो फंदे के पीछे से जहाँ से ये फंदा निकाला था वहीं से एक फंदा और निकाल लेंगे ऐसे, फिर चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, फिर ये फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर पीछे धागा करके दो फंदे सीधे और कोने वाला भी ऐसे सीधा बना देंगे। अब आगे चौथी सिलाई सीधी सिलाई। अब चौथी सिलाई में हमने दो फंदे उल्टे, पीछे धागा करके, अब ये जो पीछे से फंदा निकाला था दूसरी सिलाई में ये फंदा और एक फंदा दो का एक कर देंगे पीछे की साइड से। फिर दो फंदे सीधे, एक दो, अब ये वाला फंदा हमने तीसरी सिलाई में निकाला था, अब ये फंदा और एक फंदा आगे की साइड से दो का एक कर देंगे। देखो ऐसे बनेगा। अब जो हमने दो फंदे बढ़ाए थे दोनों फंदे हमने घटा दिए अब चौथी सिलाई में। फिर अपनी तरफ धागा करके दो फंदे उल्टे, अब एक डिजाइन हो गया ये पूरा, दो फंदे उल्टे, फिर आगे ये दो का एक कर दिया, फिर दो सीधे, फिर दो का एक कर दिया, एक डिजाइन हो गया ये छः फंदे का, ये छः फंदे बनाएंगे आगे। दो फंदे उल्टे, फिर पीछे की साइड से देखो एक फंदा है ये वाला हमने पीछे से निकाला था दो के पीछे से, और एक फंदा दो का एक कर देंगे। फिर दो फंदे सीधे, फिर ये वाला फंदा है और ये वाला हमने पीछे से निकाला था तीसरी सिलाई में दो का एक, फिर आके दो फंदे उल्टे, पीछे धागा करके दो का एक पीछे की साइड से, फिर एक दो, दो फंदे सीधे, फिर आगे की साइड से दो का एक, फिर अपनी तरफ धागा करके दो फंदे उल्टे, पीछे धागा करके पीछे की साइड से दो का एक, फिर दो फंदे सीधे, फिर आगे की साइड से दो का एक, फिर आगे दो फंदे उल्टे, कोने वाले को ऐसे सीधा बना देंगे। अब ये चार सिलाई पूरी हो गई हमारी, चार सिलाई का ये डिजाइन है। आगे फिर पहली सिलाई से फिर शुरू करेंगे, यही चार सिलाई हम बार बार बनाएंगे तो ऐसा डिजाइन बनेगा। हाँ जी, मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।